बुरे वक्त में भी कभी किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि समझौते अक्सर शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणास्पद प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, सायंकालीन समय में श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ सरयू के किनारे टहल रहे थे। अचानक भरत ने श्री राम से कहा कि भैया आपसे एक प्रश्न पूछूं। श्री राम ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब भरत ने कहा कि भैया माता केकई ने आपको वनवास दिलाने के लिए अपनी दासी मंथरा के साथ मिलकर षड्यंत्र किया, क्या ये राजद्रोह नहीं था? आपने उसे दंड क्यों नहीं दिया? इस वनवास के कारण भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष तक वनों में रहना पड़ा। पिता की दुखद मृत्यु हो गई, तो क्या इसके लिए मृत्यु दंड का विधान नहीं है? बताइए ना भैया, आपने माता केकई को दंड क्यों नहीं दिया? राम थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गए, मौन हुए, फिर बोले, भरत, जिस कुल के अंदर एक भी चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र पैदा हो जाता है, वो कई पीढ़ियों को तार देता है, और जिस माँ ने तुम जैसे धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया हो, क्या वो दंड देने के लायक है? भरत ने कहा, नहीं भैया, आप राजा की तरह मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप मोह माया में पड़े हुए हैं। एक राजा का दंड विधान मोह से बहुत दूर होता है। आपसे आज ये प्रश्न अयोध्या का एक नागरिक पूछ रहा है, आपका भाई नहीं पूछ रहा, इसलिए राजा की तरह उत्तर दीजिए। श्री राम थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर बोले, भरत, अपने सगे संबंधियों को किसी भी भूल का, अपराध का दंड ना देना ही इस सृष्टि का सबसे कठोरतम दंड है। क्या माता केकई को नहीं मिला? तुम नहीं जानते भरत, उन्हें बहुत अधिक यानी कि कठोरतम दंड भोगना पड़ा है। 14 वर्ष का वनवास हम चारों भाई अपनी अपनी परिस्थितियों में भोगते रहे, लड़ते रहे, लेकिन वो पल पल मरती रही। इस वनवास के कारण उसने अपने पति को खो दिया, चारों पुत्रों को खो दिया, सुख और सम्मान को खो दिया। क्या इससे बड़ा दंड एक स्त्री के लिए कोई हो सकता है? भरत, मैं तो दिन रात हमेशा ये सोचकर दुखी होता रहता हूँ कि ये सब मेरे कारण हुआ, मेरे कारण मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। भरत, तुम ही बताओ कि अगर मुझे वनवास नहीं होता तो क्या तुम्हारे और लक्ष्मण जैसे भाइयों के भ्रातृ प्रेम को ये दुनिया देख पाती? मैंने वनवास भोगा माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, लेकिन तुमने और लक्ष्मण ने अपनी इच्छा से भाई प्रेम को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास सहा, तो क्या संसार इससे शिक्षा नहीं लेगा? अगर वनवास नहीं होता तो क्या संसार इस भाई प्रेम को देख पाता? नहीं। अब भरत बिल्कुल मौन हो गए थे, भगवान राम की आंखों से आंसू बह रहे थे और भरत भी भगवान श्री राम के गले लगकर रो रहे थे। तो ये है एक आदर्श भाई का प्रेम, राजा का प्रेम। राजा किसको क्या दंड दे सकता है, ये केवल राजा ही जान सकता है। तो पहले इस प्रसंग को अच्छे से सुने, उसके बाद शिक्षा ग्रहण करें, और फिर अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।